और शिमला सब्जी मंडी में अर्ली वैरायटी के सेब ने दस्तक दे दी है। पहले दिन सेब की दो अर्ली वैरायटी मंडियों में पहुंची। इसके साथ ही टाइट्समैन और रेड जून शामिल है, तो अर्ली वैरायटी सेब के कच्चा होने के कारण इसे बेहतर दाम नहीं मिले। साथ ही मंडियों में नाशपातियों की आमद भी बढ़ रही है, तो सेब की आमद अब धीरे धीरे मंडियों में बढ़ना शुरू होगी। फिलहाल अर्ली वैरायटी सेब आया है और आने वाले समय में लो और मीडियम हाइट से भी सेब पहुंचेगा। वहीं बागवानों की मांग है कि यूनिवर्सल कार्टन नियम लंबित होने के कारण उन्हें कुछ परेशानियां पेश आ रही है, तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि यूनिवर्सल कार्टन शीघ्रता से प्रदान की जाए। मेरा नाम शिशपाल चौहान है जी। मेरा निवासी कोटखाई ढांगी गांव ढांगी है। ये कोकुनाला जी तहसील कोटखाई है जी। सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया है, किस तरीके से आप फैसले को देखते हैं? हमारे को तो बहुत ही अच्छा है, यूनिवर्सल कार्टन मिलना चाहिए, बस हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी ये, इसीलिए क्या नाम है कार्टन तो अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, मजबूरन ये पुराना कार्टन लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुरेश चौहान है, मैं कोकुनाला से रहने वाला हूँ, कोटखाई से। ये तो बहुत अच्छी पहल है, पर लोगों को अवेलेबल होना चाहिए टाइम से, और इस टाइम हमारे को सिर्फ कोकुनाला में मिला, ठोक भी गए थे हम, ठोक में कहीं अवेलेबल नहीं है, कोकुनाला में है यूनिवर्सल, और उसके रेट अभी फाइनल नहीं हुए।